तो दोस्तों आप लोगों को पता है मेरे 70 ब्लॉग कम्प्लीट हो चुके हैं, उसके बाद ये 71वां ब्लॉग है, पर फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ, 100 करोड़ कर ब्लॉग बनाने स्टार्ट करते थे। दोस्तों सभी लोगों को जय श्री राम। यहाँ पर मैं 100 करोड़ का हूँ और सीधा कांच में देखने चले जाता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे को देख कर एकदम एनर्जी मिलती है। उसके बाद मैं जाता हूँ मुँह धोने के लिए, क्योंकि कीचड़ लगा होता है जब हम 100 करोड़ उठते हैं। तब मम्मी के पास जाता हूँ, पर मम्मी बोलती हैं कि जा पहले नहा के या तब तेरे को खाना आना मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद मैं आ जाता हूँ और मैं जाता हूँ नहाने के लिए, और मैं फिर नहा कर जैसे ही आता हूँ तो आप लोग बताना आपका भाई कैसा लग रहा है, और उसको भूख भी लग रही होती है। पर उसके पहले हमको जाना होता है मंदिर, क्योंकि मंदिर में जाना ज़रूरी होता है, और वहाँ पर मैं दिया जलाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरा दिन अच्छा जाए और मेरे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। जिसके बाद मैं पूजा कर लेता हूँ और फिर आता हूँ मैं। लेकिन मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, फिर मैं मम्मी के पास दोबारा जाता हूँ, मम्मी से बोलता हूँ खाना दे दो। फिर मम्मी उठती है मेरे को खाना देने के लिए, तो यहाँ पर मैं आके देखता हूँ कि मम्मी जब तक खाना देगी तब तक मैं थोड़ा सा जाके आराम भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, पर उसके पहले मम्मी मेरे को बताती हैं यहाँ पर क्या बना है। तो मैं देखता हूँ कड़ी रोटी चावल और पापड़ सब कुछ है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ बाहर देखने के लिए, जब तक मम्मी मेरे लिए खाना परसती हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बहुत बैठता हूँ, इंतज़ार करता हूँ खाना कब आएगा। तो मम्मी यहाँ पर मेरे लिए फाइनली खाना को परस रही थी, जिसके बाद मैं खाना खा लेता हूँ। खाना बनता है एक नंबर, जिसके बाद मैं सोचता हूँ और कुछ मिल जाए तो मम्मी बना देती हैं, इतने में चाय आप लोग देख रहे हैं मज़ा। और यहाँ पे मैं मौज काट रहा हूँ अपने वहाँ पर, जिसके बाद हमारे टीवी वाले भैया टीवी सही करने आ जाते हैं, पर टीवी सही नहीं होती है। तो मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, पर यहाँ पता लगता है आंधी आई थी जिसके कारण वो खराबी हो चुका है। जिसके बाद फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और मम्मी को देखता हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। इसके बाद मम्मी दोबारा मेरे को कढ़ी चावल दे देती हैं। उसके बाद फिर मेरे को पता लगता है कि भाई बाजार जाना है, मम्मी ने बोला है कि तेल लेके आओ, तेल खत्म हो गया है। जिसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ मम्मी से डोलची लेने के लिए, और इतने में पापा भी वहीं पर होते हैं, तो पापा मेरे को वो डोलची देते हैं। जिसके बाद पता लगता है, मैं बोलता हूँ इसमें तो भाई थोड़ा बहुत मतलब धूल वगैरह जम गई है। जिसके बाद मम्मी उसको एकदम से साफ करती है, तभी तो मैं उसके अंदर तेल लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है भैया। तो जिसके बाद मैं निकलता हूँ अपनी स्कूटी से, मतलब फ्री वाली, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसमें ऐसा लगता है कि मानो पैसा नहीं लगता है। जिसके बाद मैं यहाँ से वर्र करते हुए पहुँच जाता हूँ तेल वाले भैया के पास। तो यहाँ पर बाबा जी मिलते हैं आज, जो बाबा जी हमको तेल देंगे आज, जिसमें बाबा जी ने जल्दी से तेल तोला। उसके बाद मैं इधर उधर देखता हूँ, जिसके बाद फिर मैं डोलची उठा के रखता हूँ अपनी स्कूटी पर और स्कूटी भगा देता हूँ अपने घर के लिए। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ घर पे, मैंने डोलची रखी, मम्मी यहाँ पे मोबाइल चला रही थी। जिसके बाद मैं आके यहाँ पे शर्ट उतार देता हूँ और फिर सोचता हूँ भाई अब क्या करना है मेरे को, तो याद आता है कि भाई हमको खाना भी खाना है। जल्दी से शर्ट उतारी हमने, उसके बाद फिर मम्मी आ गई यहाँ पे। मम्मी बोलती है कि तुम कुछ खाने के लिए नहीं लेके आते हो, अब उनको कौन बताया भैया पैसा नहीं है मेरे पास, अब कौन बताए इनको। इसके बाद मम्मी मेरे लिए बेहतरीन खाना बना देती हैं, अब इसमें दाल और ऐड हो जाती है सुबह वाले खाना को छोड़ कर। इसके बाद दादा के दोस्त आ रहे होते हैं और ये लोग सब लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बाय करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मिलेंगे ऐसी मज़ेदार कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार।